हेलो एवरीवन, फिर से एक बार स्वागत है आपका यूट्यूब कोमल किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई बहुत ही चटपटी हरी मिर्च की सब्जी की रेसिपी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम समय में बनके रेडी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, और जो उसके सामने घंटी का निशान है उसको भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो आप देख सकें। और जो पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 250 ग्राम हरी मिर्च ली है। आपके पास जो भी हरी मिर्च अवेलेबल हो उसी से आप बनाइए। और तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से धो के साफ़ कर लेंगे, उसके बाद मैं कट कर लेती हूँ इनको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमने इसको कट कर लिया है। अभी हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई लिया, इसमें डालेंगे 1 चम्मच सरसों का ऑयल। आपके पास जो भी ऑयल हो आप उसी को डालें, जैसे रिफाइंड ऑयल से भी आप बना सकते हो। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तो इसमें मैं ले रही हूँ थोड़ा सा कलौंजी, ये सौंफ और जीरा। सौंफ की मात्रा फ्रेंड्स इसमें थोड़ी ज़्यादा ही चाहिए। तो अभी हम तीनों को इसमें डाल देंगे, क्योंकि सौंफ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए, ऑयल हमारा गर्म था तो डालते ही ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अभी हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्योरी, जो मैंने पहले से ही बना के रखी थी। तो ये देखिए, ये टमाटर का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही टेस्टी ये हरी मिर्च की सब्जी बनके रेडी होने वाली है। आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो सच बता रही हूँ, आपके बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी सब्जी। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, अच्छे से हमने इसको 2 मिनट टमाटर को अच्छे से पका लेना है, टमाटर की प्योरी को। तो ये देखिए, 2 मिनट हो गए, अच्छे से पक चुके हैं, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हरी मिर्च थोड़ी कम तीखी है। और ये थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले रही हूँ, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले सकते हो। 1/2 चम्मच मैंने नमक का लिया है। थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे हम इसमें, इससे और भी टेस्ट अच्छा हो जाएगा। तो 1/2 चम्मच मैंने अमचूर पाउडर लिया है। और ये थोड़ा सा मैं हींग डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ठीक भी रहता है ये पेट के लिए। तो अभी हम सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मिर्च ज़्यादा तीखी है तो आप लाल मिर्च ना डालें। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा हम फ्रेंड्स इसमें पानी डालेंगे, क्योंकि हमें मसाला को अच्छे से पकाना है। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो मसाला का कलर अच्छा नहीं आएगा, जल जाएगा। तो मैंने मीडियम फ्लेम कर रखा है गैस को, और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी डाल दिया, जिससे क्या होगा कि मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो 1 मिनट के करीब हम इसको मसाले को पका लेते हैं। तो ये देखिए, 1 मिनट हो गया है, ऑयल मसाले के ऊपर आ गया है। तो ये देखिए, कलर भी चेंज हो गया, तो मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे दही। तो मैं 1 कप दही का ले रही हूँ। और इसको डालते ही हमें इस टाइम गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना है, और डालते ही हमें लगातार चम्मच को चलाते रहना है, रखना है, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम मिक्स नहीं करेंगे, लगातार चम्मच को नहीं चलाएंगे, तो दही हमारा फट जाएगा। तो देखिए, मैंने लगातार इसको चलाते रही हूँ, और दही गर्म भी हो गया है और अच्छे से मिक्स हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं फटा, आप देख रहे होंगे। और इसको हम 1 उबाल आने तक इसको थोड़ा पका लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से उबाल आ गए हैं दही और मसाले का। तो अभी हम इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ा सा लहसुन और अदरक का पेस्ट। अगर फ्रेंड्स आप खाते हो लहसुन तो आप डाल सकते हो, नहीं तो सिर्फ अदरक का पेस्ट डाल सकते हो, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आप खाते हो तो आप ज़रूर डालें। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और ढक के कम से कम हमें 1.5 मिनट इसको अच्छे से पका लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स ढक के पकाना है, नहीं तो ये जैसे जैसे गर्म होता बहुत ही ऊपर उठता है, तो चारों तरफ ये गिर जाता तो अच्छा नहीं लगता। तो हमें थोड़ा ढक के पका लेना है। तो 1.5 मिनट हो गए हैं, मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। ये देखिए, ऑयल ऊपर आ गया है, तो कलर भी थोड़ा चेंज हो गया। तो मसाले को हमने अच्छे से पका लिया है। अभी हमें क्या करना, जो मिर्च हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। तो ये हरी मिर्च मैं इसमें डाल देती हूँ।
और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद ढक के पकाएंगे। इसको कम से कम हमें 1 मिनट ढक के पका लेना है, जिससे क्या होगा कि मसाले में अच्छे से मिर्च पक जाएगी। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है और अभी हम चेक करते हैं, तो ये देखिए अच्छे से मसाले में मिर्च पक चुकी है। तो 50% हमारी मिर्च पक चुकी है। अभी हम इसको ग्रेवी के लिए थोड़ा पानी डालेंगे, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो आप पानी ज़रूर डालें, और पानी डालने के बाद हम इसको कम से कम 2 मिनट पकाएंगे। तो अभी मैंने फुल फ्लेम कर दिया है गैस को, अभी हम 2 मिनट पकाना है हमें इसको अच्छे से। तो देखिए 2 मिनट हो गए हैं और अच्छे से मिर्च पक चुकी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है इसमें। तो मैंने गैस को बंद कर दिया है और मिर्च अच्छे से पक चुकी है, और इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा है, सिर्फ 7-8 मिनट में बनके रेडी हो गई है। जब भी आपका ये खाने का मन करे तो आप ज़रूर बनाइए। तो मैं आपको बाउल में निकाल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनके रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपके कॉमेंट का हमेशा इंतज़ार करती हूँ। ये देखिए बहुत ही मस्त हमारी रेसिपी बनके रेडी हुई है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।